हेलो दोस्तों, स्टडी 2.0 में आपका स्वागत है। आइए हम लोग आज जानेंगे अक्षांश। अक्षांश क्या है? तो देखिए, ये देखिए अक्षांश, अक्षांश जो है वह काल्पनिक वृत्ताकार समांतर क्षैतिज रेखा है। वह काल्पनिक वृत्ताकार समांतर क्षैतिज रेखा है जो पृथ्वी के केंद्र से समान झुकाव वाले स्थानों को जोड़ती है। कैसे? समान झुकाव वाले स्थानों को जोड़ती है। देखिए, अक्षांश, अक्षांशों की संख्या 181 है। अक्षांशों की संख्या 181 है, जिनमें से 179 अक्षांश रेखाएं हैं, 179 अक्षांश रेखाएं हैं और 2 अक्षांश बिंदु हैं। देखिए, ये हमारी पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी। देखिए पृथ्वी में ये 0 डिग्री अक्षांश है, जिसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा बोलते हैं। जो विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, एक तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। देखिए, अब देखिए, ये हमारा है 23.5 डिग्री अक्षांश, 23.5 डिग्री नॉर्थ, जिसे हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं। कर्क रेखा और 23.5 डिग्री साउथ, जिसे हम मकर रेखा बोलते हैं। देखिए, 23.5 डिग्री को कर्क रेखा और 23.5 डिग्री नॉर्थ को कर्क रेखा, 23.5 डिग्री नॉर्थ को कर्क रेखा बोलते हैं और 23.5 डिग्री साउथ को मकर रेखा बोलते हैं। आगे देखिए, ये देखिए 66.5 डिग्री नॉर्थ, जिसको हम लोग आर्कटिक वृत्त बोलते हैं। 66.5 डिग्री नॉर्थ को आर्कटिक वृत्त और 66.5 डिग्री साउथ को अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं। देखिए, 66.5 डिग्री नॉर्थ जो अक्षांश है उसको आर्कटिक वृत्त और 66.5 डिग्री जो साउथ अक्षांश है उसको अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं। आगे देखिए, ये 90 डिग्री नॉर्थ है और ये 90 डिग्री साउथ, 90 डिग्री नॉर्थ अक्षांश और 90 डिग्री साउथ अक्षांश। यहाँ पर देखिए, देखिए ये जो 0 डिग्री रेखा है उससे ऊपर 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री नीचे जो है 10 डिग्री साउथ, जो इस 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के बीच जो क्षेत्र है उसको विषुवत रेखीय क्षेत्र बोलते हैं। क्या? विषुवत रेखीय क्षेत्र, विषुवत रेखीय क्षेत्र बोलते हैं। 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के बीच जो क्षेत्र है उसको विषुवत रेखीय क्षेत्र बोलते हैं। आगे देखिए, जो ये 66.5 डिग्री, 66.5 नहीं 23.5 डिग्री कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है उसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। उष्णकटिबंध क्षेत्र, उष्णकटिबंध क्षेत्र, उष्णकटिबंध क्षेत्र बोलते हैं। आगे देखिए, दोनों गोलार्धों में जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो क्षेत्र है उसे उष्णकटिबंध क्षेत्र बोलते हैं। आगे देखिए, ये देखिए हमारा जो आर्कटिक वृत्त और कर्क रेखा के मध्य का जो भाग है उसे हम लोग शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र बोलते हैं। शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र।
और सेम नीचे मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त के मध्य जो क्षेत्र है उसको भी शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र बोलते हैं। कौन सा? शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र। देखिए जो आर्कटिक वृत्त और कर्क वृत्त के बीच जो क्षेत्र है उसे शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। इसके विपरीत जो मकर रेखा और आर्कटिक अंटार्कटिक वृत्त है उसको भी शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र बोलते हैं। आगे देखिए जो 90 डिग्री अक्षांश और 66.5 डिग्री अक्षांश के मध्य जो भाग है उसे शीत कटिबंध क्षेत्र बोलते हैं। शीत कटिबंध क्षेत्र बोलते हैं। इसके विपरीत जो 90 डिग्री साउथ और 66.5 डिग्री साउथ है इसको भी शीत कटिबंध क्षेत्र बोलते हैं। क्या? शीत कटिबंध क्षेत्र, शीत कटिबंध क्षेत्र बोलते हैं। आइए आगे देखते हैं। देखिए ये जो विषुवत रेखीय क्षेत्र है जीरो अक्षांश मध्य में है, ठीक, इसके ऊपर देखेंगे 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के बीच जो छोट क्षेत्र है विषुवत रेखीय क्षेत्र, यहीं पर दोपहर के बाद संवहनी वर्षा होती है। कैसी वर्षा? संवहनी वर्षा होती है, यानी दोपहर के बाद लगातार वर्षा होती रहती है। यहीं पर विषुवत रेखीय क्षेत्र में ही सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन है? विषुवत रेखीय क्षेत्र। जो विषुवत रेखीय क्षेत्र है वह क्षेत्र जो है सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है। आगे देखिए जो ये शीत कटिबंध क्षेत्र है यहाँ पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। दोनों गोलार्ध में, नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध में जो शीत कटिबंध क्षेत्र है दोनों गोलार्धों में 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। देखिए ये 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव है। कौन सा? उत्तरी ध्रुव। और 90 डिग्री साउथ पोल। देखिए जो 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरे ने किए थे। कौन? रॉबर्ट पियरे जो यूएसए के वैज्ञानिक है, यूएसए के वैज्ञानिक हैं। नॉर्थ पोल की खोज रॉबर्ट पियरे ने किए थे और साउथ दक्षिणी पोल की खोज जो है एमंडसन ने किए थे, जो नॉर्वे के हैं। कहाँ के? नॉर्वे के। उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरे ने किए थे और दक्षिणी ध्रुव की खोज एमंडसन ने किए थे, जो कि नॉर्वे के हैं। तो दोस्तों आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।